ठीक है, हम लोग एक साइन कन्वेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखे थे कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, वो वाला हो गया है। ठीक लास्ट है, में हाँ क्वेश्चन था नेक्स्ट ओके हो। नहीं किया सर तो उसको ट्राई करना था ना। इससे नहीं होता है उसमें, ये फोन काम नहीं करता है, काम करता है उसमें दिक्कत होता है। ठीक है चलो, आज आगे देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि हमको ऐसे कैपेसिटर्स दे रखा हो, मान लेते हैं कि तीन कैपेसिटर दिया है। ठीक है, सी वन सी टू सी थ्री, तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ऐसा मान लेते हैं तीन है हमारे पास, तो हो सकता है कि हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लें, इसके एंड से दूसरे का एंड जोड़ते जाएं, इसके एंड से इसको जोड़ दें, या फिर हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास दो एंड था, वायर था, इधर कनेक्टेड होगा, इसी दोनों के बीच में ही हम तीनों को कनेक्ट कर लें। ठीक है, ऐसे अगर हम कनेक्शन कर सकते हैं तो ऐसे दो टाइप का हमारा कनेक्शन बन रहा है। इस कनेक्शन जो एंड टू एंड कनेक्शन है, एक का एंड दूसरे के एंड से है, इसको बोलते हैं हम लोग एंड टू एंड कनेक्शन। ठीक है, और ऐसे कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन है, यानी कि ये जो होगा सीरीज कनेक्शन होगा। और ऐसा जो है सिर्फ दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे पैरेलल पैरेलल कनेक्शन कनेक्शन, यानी कि जो कैपेसिटर से इसमें पैरेलली कनेक्टेड है और इसमें सीरीज में कनेक्टेड। ठीक है, अगर हमको ये चीज क्लियर है कि सीरीज ये कहलाता है, ये पैरेलल कहलाता है, तो अब हमारा सीरीज में बारी बारी से दोनों को देखेंगे, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होगा? मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे तीन कैपेसिटर थे और सीरीज में कनेक्टेड थे, इसको हम किसी ऐसे एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रखे। ठीक है, अगर ये बैटरी भी पोटेंशियल का है और ये कनेक्टेड है, तो हम जानते हैं कि बैटरी जो है इसमें चार्ज क्यू ट्रांसफर करेगा, और ये क्यू चार्ज अगर जाएगा तो इस वाले प्लेट पे, यानी कि अगर हम सी वन बोल रहे हैं, इसका लेफ्ट साइड का जो प्लेट है इस पे हम देखेंगे तो ऐसा प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि क्यू चार्ज आके डिपॉजिट हो गया है तो प्लस क्यू। इधर वाले पे देखेंगे तो इंडक्शन के कारण उतना ही निगेटिव में इंड्यूस्ड हुआ होगा। अब हाँ ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट दोनों आपस में कनेक्टेड है और इस पे माइनस क्यू आया है, तो इस पे प्लस क्यू होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली न्यूट्रल था, फाइनली भी न्यूट्रल होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ के जीरो होना चाहिए। अब फिर से इस पे क्यू, इस पे वैसे ही इंडक्शन से माइनस क्यू, फिर इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। तो हमको क्या दिख रहा है कि इधर से जो क्यू चार्ज गया, अब ये जो माइनस क्यू आया होगा वो इधर बैटरी की तरफ आया होगा, यानी कि इस सर्किट में अगर हम बोले कि क्यू चार्ज निकला, तो क्यू चार्ज ही सारे कैपेसिटर के अलोंग मूव करा है। हाँ ठीक है, तो हम यहां से कहेंगे इन सीरीज कनेक्शन, चार्ज थ्रू ऑल कैपेसिटर्स विल बी सेम। ठीक है, सारे कैपेसिटर्स के थ्रू चार्ज जो होगा वो सेम होगा। अब हमारा मकसद है कि हम इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के सिर्फ एक ऐसा कैपेसिटर लगा दें कि अगर हम उसी बैटरी से कनेक्ट करें हो, चार्ज अगर क्यू जा रहा है, तो इसके क्रॉस जो है ये सी इक्विवेलेंट ऐसा हो कि सेम चार्ज। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या पता चला कि सीरीज कनेक्शन में जो होगा सबके क्रॉस चार्ज सेम होगा। चार्ज सेम होगा, अगर हम बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं?
इसके क्रॉस अगर हम बोल रहे हैं V1, इसके क्रॉस में V2 है और इसके क्रॉस में V3 है, ठीक है। अगर ऐसा है तो V1, V2, V3 जितना भी ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा? V के। तो हम यहाँ से बोलेंगे सेकेंड ये अगर हम या तो ये चीज कर लो या फिर KVL लगा लें, तो भाई KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम यूज करते हैं, इस पॉइंट से मूव करना शुरू करो A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ और D से फिर A, यानी कि इन लूप A B C D A, ठीक है। और साइन कन्वेंशन के से लेते हुए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से हमको लिख रहे हैं कि V1 यहाँ से आ जाएंगे तो हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस V1 लिखेंगे, इसमें भी हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस V2, इसमें भी हम हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस V3, फिर यहाँ तक आए, इधर जब आए तो यहाँ पे हमको बैटरी मिला, बैटरी में अब किधर से जा रहे हैं तो लोअर से हायर यानी कि प्लस V, और घूम लिए जी तो ये जीरो, तो यहाँ से हमको V कितना दिख रहा है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर दिख रहा है, ठीक है। और इसमें अगर हम घूमेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें इसका भी है तो इसके क्रॉस भी फाइनली भी ही बचेगा ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो क्यू चार्ज होगा वो सी इक्विवेलेंट इनटू वी होगा, या वी इक्वल टू क्यू बाई सी इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे वी इक्वल टू क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, ठीक है, ये चीज है। और अगर हम यहां से देखें तो फ्रॉम फिगर, पहला फिगर से हम देख रहे हैं, अगर इसको हम फिगर वन बोलते हैं तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे और V3 इक्वल टू क्या लिखेंगे। तो यहां से अगर देखें तो V1 इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज है Q और इसका कैपेसिटेंस है C1, तो अगर हम V1 को Q और C1 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे Q by C1, ये लिखेंगे हम Q by C2 और वैसे ही ये हो जाएगा Q by C3, ठीक है। अब अगर हम इसको इक्वेशन बोल देते हैं 2, इसको 1 और इन सबको 3, तो फ्रॉम 1, 2 and 3 1, 2 and 3 इन तीनों इक्वेशन से हमको क्या दिख रहा है, हम सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं V1, V2, V3 और V का, ठीक है। तो V is equal to है Q by C equivalent, यहाँ से आ जाएगा Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3, ऊपर से हम Q कॉमन लेके कट कर सकते हैं, हाँ, ये हमको बचेगा 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ये आया हमारा सी इक्विवेलेंट, यानी कि अगर सीरीज रहेगा तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। ये सेम वैसा ही है जैसा कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा करते थे तो 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 ऐसे ही आया करता था, ठीक है। अगर बहुत सारे रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस ...... लिख दे रहे हैं, यानी कि लंबा जहां तक जाए। फॉर टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स के लिए लिखे तो 1 by C इक्विवेलेंट लिखेंगे हम 1 by C1 प्लस 1 by C2। यहां से अगर हम सॉल्व करें इसको यहाँ से C1 C2 LCM लेंगे और ऊपर बच जाएगा हमारा C2 प्लस C1, ये सॉल्व करने आएगा, C1 C2 ले लिए तो यहाँ C2 प्लस C1, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं C इक्विवेलेंट दो का रहेगा तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। फॉर N इक्वल कैपेसिटर्स, ठीक है, n जो है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है इक्वल है तो हम इसके लिए 1 by C इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, 1 by C प्लस 1 by C प्लस n टाइम्स होगा, बताओ, दो रहता तो 2 टाइम्स, 3 रहता तो 3 टाइम्स, 4 रहता तो 4 टाइम्स, 5 रहता तो
पांच बार इसे जोड़ते, एन है तो एन टाइम्स, तो ये हमारा आ जाएगा एन। सेम ही को एन टाइम्स पर जोड़ रहे हैं। चंदन, यस सर, बीच में कट गया था सर, आपका ही कट गया था सर, आवाज नहीं आ रहा था आपका। हाँ इधर ही कट गया था। कहाँ तक किए थे हम लोग? वही एंड टाइम्स कर रहे थे। अच्छा, स्क्रीन अभी दिख रहा है? नो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे फॉर एन इक्वल कैपेसिटर्स। हाँ, तो अगर एन इक्वल कैपेसिटर है तो वन बाई सी प्लस वन बाई सी प्लस एन टाइम्स करेंगे। तीन रहता तो वन बाई सी, वन बाई सी तीन बार लिखते। तो अगर एन है तो एन बार लिखे तो एन बाई सी आएगा, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट आ रहा है सी बाई एन। जब बराबर रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं सीरीज से। अच्छा चलो, इसमें कई सारा चीज पहले हम बात कर लेते हैं उसके बाद। एक चीज और नोट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो V1 आया था हमारा, वो आया था क्या चीज? Q बाई C1 आया था। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? सी है, कैपेसिटर इनवर्स है ना। क्यू तो सब में सेम रह रहा है, कैपेसिटर का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि कैपेसिटर पे अगर इसका जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ही कम चार्ज हो। तो हम यहाँ से इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आईफोन वी वन इज टू वी टू इज टू वी थ्री इक्वल टू वन बाई सी वन इज टू वन बाई सी टू इज टू वन बाई सी थ्री, ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा लिखा जाएगा तो हम यहाँ से वी वन का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाता सी वन सी टू के टर्म में, तो हम कैसे लिखते हैं? ऐसे रेशियोज में हम पढ़े थे 8th क्लास में कि जब ऐसा रेशियो होता है, ये वैल्यू लिखना है, तो हम लिखेंगे इसका फर्स्ट टर्म ऊपर, नीचे सबका सम, प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, और यहाँ लिखेंगे इधर जितना चीज है सबका सम, यानी कि वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। और ये चीज हमको पता है कि ये बैटरी का पोटेंशियल है, तो यहाँ से ये चीज नीचे ये रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको वन बाई सी वन डिवाइड बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री इंटू वी। यह आया वी वन। इसी तरीके से हम वी टू भी लिख सकते हैं। वी टू में क्या चेंज होगा? यहाँ सिर्फ वन बाई सी टू हो जाएगा। हाँ, तो वी टू अगर हमको लिखना होगा तो वन बाई सी टू डिवाइड बाई वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री इंटू वी। नीचे अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाला टर्म इक्विवेलेंट ही दिख रहा है ना। ये क्या है, वन बाई सी इक्विवेलेंट है।
तो हम इसको C equivalent by C2 भी लिख सकते थे, लिख सकते थे। और ये C equivalent into V अगर ध्यान से देखें तो हमारा और कुछ नहीं, यहां से क्या आ रहा है, Q आ रहा है ने जितना चार्ज, यानी अगर Q रहा तो हम इसको Q लिख सकते, Q by C2 भी लिख सकते थे, जो कि हम पहले ही लिखे। अगर Q पता रहेगा तो हम इसमें यूज कर लेंगे, V पता रहेगा तो इसमें यूज कर लेंगे C equivalent पता करके, नहीं तो हम इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कोई सा भी। ऐसे ही हम भी 3 के लिए भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये चीज है। अगर हम इसी में, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, अगर हम इस केस में हीट लॉस का बात करते हैं कि हीट लॉस कितना होगा, तो हीट लॉस हम कैसे फाइंड करेंगे? हीट लॉस हम ऐसे ही फाइंड करते थे, एनर्जी सप्लाइड माइनस जो फाइनली स्टोर्ड एनर्जी है। हम सबसे पहले कर रहे हैं कि एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। ठीक है, बैटरी से जो एनर्जी सप्लाइड होगा, तो हम जानते हैं अगर बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है उसका पोटेंशियल भी है, तो क्यू भी होता है। ये चीज रहा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इनिशियली उस पे चार्ज क्या था, जीरो, जीरो था। हाँ, तो इसको इनिशियल में अगर हम देख रहे हैं तो इनिशियल कितना है, जीरो, और फाइनल, फाइनल अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे विशाल सर? चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी ना होता है। हाँ, तो इसे ही लिखेंगे, सब पे चार्ज तो सेम है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी वन प्लस सी टू, वन बाय सी होता है, तो हम वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू, इन सबको हम बाहर निकाल लिए हैं। तो ये चीज हमको दिख रहा है सी इक्विवेलेंट, यानी कि वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी इक्विवेलेंट, यही दिख रहा है। यस सर, इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टू क्यू इन टू वी, क्योंकि वी इक्वल टू क्या आया, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, यही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से कि एनर्जी कितना सप्लाई हो रहा है, क्यू वी, और स्टोर्ड कितना हो रहा है, हाफ क्यू वी, तो हीट लॉस कितना हो जाएगा, हाफ क्यू वी हो गया, क्यू वी माइनस हाफ क्यू वी, यानी कि हाफ क्यू वी, यानी कि आधा एनर्जी क्या हो जा रहा है, हीट लॉस में जा रहा है। ठीक है, पहले भी हम लोग देखे थे तो हीट लॉस आधा ही जा रहा था, अभी भी आधा ही जा रहा है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सारा कुछ चीज कर रहे हैं। ऐसा है, हमारा वन माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे टू माइक्रोफेरेड है, यहाँ पे थ्री माइक्रोफेरेड है, और यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट। ठीक है, हमको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा। ठीक है, थर्ड हीट लॉस क्या होगा। ठीक है, हीट लॉस क्या होगा, और फोर्थ एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर क्या होगा, टोटल ना। हाँ, टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर फाइनल। C इक्विवेलेंट हो गया 6 बाय 11 माइक्रोफैराड। ठीक
ठीक है, सी इक्विवेलेंट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? तो फिर 1 by C equivalent equals to 1 by C 1 plus 1 by C 2 plus 1 by 3. 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. LCM लेंगे तो नीचे आ जाएगा 6. यहाँ आ जाएगा 6 plus 3 plus 2. 11 by 6. यानी कि C equivalent आ गया 6 by 11 microfarad. ठीक है, अगर ये आ गया तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे कि एक बैटरी है हमारा 10 वोल्ट का और हम यहाँ पे 6 बाई 11 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाए हैं, तो इसमें से हमको चार्ज निकालना है. क्यू तो सब में सेम ही रहेगा. हाँ. क्यू हम कितना लिख सकते थे? C इंटू V होता है. तो 6 बाई 11 इंटू 10 माइक्रोफेरेड है तो यहाँ माइक्रोकूलम हो जाएगा. कितना आ रहा था फॉर्मूला? फॉर्मूला में अभी निकाले कितना है? 1 by 2 Q into V. Q into V. तो 1 by 2 into 60 by 11 into V है 10 और micro में है तो micro जो ये कितना आ रहा? 300 by 11 fourth energy stored. क्या ये heat loss के बराबर ही आया था? हाँ. 300 by 11 लिख लेंगे. हम एक बार कैलकुलेट कर लिए तो बार बार क्यों कैलकुलेट करें, है कि नहीं? यस सर. ठीक है, तो ऐसे से सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा. आगे चल के हम लोग देखेंगे कि सर्विस सॉल्व करने भी आएगा, तो हम दोनों पहले पढ़ लेते हैं फिर कंबाइंड वाला देखेंगे. तो पैरेलल पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर. ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हम देखें कि हमारा कनेक्शन ऐसा होना चाहिए. ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं? किसी भी एक बैटरी से ऐसे हम कनेक्ट कर दे रहे हैं. ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ये V है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. अच्छा, अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो बोलेंगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि बीच में कहीं कोई ड्रॉप नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है. इधर का अगर जीरो है तो इसके क्रॉस भी है, तो इधर का क्या होगा? भी होगा. हाँ. भी होगा तो यहाँ का भी होगा. भी तो हम ए और बी दोनों का बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या भी ही आ रहा है? हाँ. यानी कि तीनों कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो क्या है? सेम आ रहा है. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर इन पैरेलल विल बी सेम. ठीक है, पिछले में क्या था? चार्ज सेम था, इसमें क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. ठीक है, अब मान लेते हैं कि इधर से कोई चार्ज Q ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से Q आया, तो क्या यही Q यहाँ से पार हो रहा है या तीन रास्ते मिल रहे हैं तो सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा? तीनों से पार हुआ तो इक्वली होगा, डिवाइड तो नहीं हो रहा है ना. और Q डिवाइड होगा यानी Q ही तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. Q1 Q2 Q3 ऐसा. और यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि जो Q1 Q2 Q3 है, यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ बोल रहे हैं, जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ बोले थे KCL, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये चीज आ रहा है.
अब हम क्या चाहते हैं, ये साइन होता है इक्विवेलेंट का, हम इन तीनों कैपेसिटर्स को हटाकर सिर्फ एक कैपेसिटर ज्वाइन कराना चाहते हैं जिसका इक्विवेलेंट है सी क्यू, हम लिख रहे हैं ये भी है। चार्ज इसमें से क्या होना चाहिए, क्यू ही ट्रांसफर होना चाहिए। फिर से इसमें अगर हम देखेंगे तो भी इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी। इसको हम इक्वेशन वन बोल दे रहे हैं, इसको इक्वेशन टू बोले हैं। और हम फ्रॉम फिगर अगर बात करें, फिगर वन क्यू वन का वैल्यू कितना आएगा देख के बताओ, कैपेसिटेंस सी वन है, इसके क्रॉस पोटेंशियल भी है, तो इसको क्या लिखेंगे C1 into V, Q2 क्या लिखेंगे C2 into V, Q3 क्या लिखेंगे C3 into V। अब तीनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 तीनों को पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ जाएगा C equivalent into V, यहाँ से C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी कॉमन लेके काट दिए तो क्या मिला C equivalent is equal to C1 plus C2 plus, ठीक है, तो ये चीज आया अगर हमारा पैरेलल रहेगा तो। अगर हम बोले कि बहुत सारा रहा तो C equivalent हम ऐसे लिख सकते थे C1 plus C2 plus जितना भी रहेगा उसको हम जोड़ ले। अगर सिर्फ फॉर एन दो के लिए ऐसे सी वन प्लस सी टू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो नहीं लिखा रहे हैं, फॉर एन इक्वल कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा बताओ, एन तक जोड़ेंगे सी वन प्लस सी टू प्लस सी, हाँ सी प्लस सी प्लस सी प्लस कहाँ तक, एन टर्म्स, अगर एन टर्म्स है तो इसको हम एन से लिख लेंगे। सर मतलब ज्यादा इक्विवेलेंट तो पैरेलल कैपेसिटर होता है, ज्यादा इक्विवेलेंट मतलब ज्यादा फायदेमंद सर। हाँ तो इसमें इस कैपेसिटर के केस में किस में ज्यादा हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है, पैरेलल में ज्यादा हो रहा है, एनसी है, यानी कि इस केस में हम बोलेंगे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है जो मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा होगा, और उस वाले में क्या हो रहा है मिनिमम से भी कम ही आएगा, ठीक है सर। ये पूरा रेजिस्टेंस से मिल रहा है लग रहा है, हाँ रेजिस्टेंस से मिल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, वहां जो हम लोग पैरेलल का कहानी करते थे यहाँ पे सीरीज का है, और जो यहाँ सीरीज का कर रहे हो वहां पे क्या होगा पैरेलल का, हाँ। दोनों इंटरचेंज है, ये चीज हम किसके लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल के लिए, ये सारा चीज उसमें किसमें होगा, उसमें सीरीज में था, सीरीज में होगा, ठीक है। ये चीज आया, अगर हम इसमें हीट लॉस का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि हाफ इनटू क्यू हीट, ठीक है, हीट लॉस फाइंड करना चाहते हैं तो पहले तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, अगर बैटरी से हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये तो क्यू ही रहेगा, हाँ ठीक है, एनर्जी इनिशियल एनर्जी जीरो है, स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं इनिशियल जो है जीरो है और फाइनल जो है वो कितना है, फाइनल कितना लिखेंगे बताओ, भी सब में सेम है, तो हम हाफ सी वी स्क्वायर एक फॉर्मूला आया करता था, हाफ सी वी स्क्वायर उसी को यूज कर रहे हैं, यहाँ से 1/2 वी स्क्वायर कॉमन ले लिए, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री आ जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते 1/2 वी स्क्वायर इंटू सी इक्विवेलेंट, और वी इंटू सी इक्विवेलेंट जो है वो क्यू है तो क्यू इंटू भी लिख सकते हैं, हाफ क्यू वी, हाँ तो इसमें भी हमारा हीट लॉस कितना हो रहा है, हाफ ही हो रहा है, हाफ क्यू इंटू, ठीक है, सेकेंड इसमें देख रहे हैं कि भी सेम है, ठीक है, तो भी इक्वल टू क्या आ रहा है क्यू बाई सी, इसमें ये जो भी है ये कांस्टेंट है सब में बराबर रह रहा है,
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होगा, यानी कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो चार्ज उस कैपेसिटर से ज्यादा जाएगा जिसमें कैपेसिटेंस जिसका ज्यादा होगा. ये बात क्लियर है? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्यू वन इज टू क्यू टू इज टू क्यू थ्री इजकल टू सी वन इज टू सी टू इज टू सी. तो हमको क्यू वन पता करना होगा, फिर से वैसे ही क्यू वन इजकल टू सी वन बाई इंटू इधर का सारा का सम कैपिटल क्यू लिख दे रहे हैं. ठीक है, ये क्यू क्या है तो क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस ऐसे ही क्यू टू और क्यू थ्री के लिए भी लिख सकते थे. हाँ. तो क्यू टू के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी वन की जगह सी टू. ठीक है, ये चीज है. एक क्वेश्चन करते हैं इस पे प्रैक्टिस के लिए. हाँ. ऐसा तीन कैपेसिटर दे रखा है, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखे हैं. ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये फिर से 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड ले रहे हैं. ठीक है, तो चार्ज हमको निकालना है. फर्स्ट सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सेकेंड क्यू फ्लोन क्यू कितना बहा होगा, थर्ड हिट लॉस. हो गया सर. ठीक है, सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 6 माइक्रोफेरेड. 6 माइक्रोफेरेड. क्यू कितना आ जाएगा, 6 बाय 10 माइक्रो कूलम. अच्छा, कैपेसिटेंस टोटल 6 आ गया, ये तो क्यू बराबर सी भी होता है ना. ओ उल्टा कर, 6 इनटू 10 है माइक्रो कूलम. माइक्रो कूलम. थर्ड हीट लॉस, हीट लॉस हाफ इनटू 16 इनटू 300 माइक्रोजूल. इसका कितना आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, फाइंड करो एबी के अक्रॉस. सी इक्विवेलेंट क्या होगा, नीचे में 2C लिखा है. हाँ 2C है. थ्री सी बाई टू. ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में. हाँ तो सीरीज में है तो इसका क्या हो जाएगा, इक्वल है तो सी बाई टू हो जाएगा. और सी बाई टू ये पैरेलल में है तो सी इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा सी बाई टू प्लस टू सी. दो दो चार 5C/2 आ रहा है, तुम लोग 3C/2 किस आया. नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. ठीक है, तो ऐसे ऐसा इजी इजी क्वेश्चन में ये करोगे C2C. ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सी ए बी कितना होगा ये बताना है.
आ गया। इसको अगर ध्यान से देखो तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो यहाँ से ए से बी में अगर हम देखें तो ये वाला सारा ए से बी में ही कनेक्टेड है, तो हम ये सी और टू सी लिख दिए। ये ए से बी में एक सी कनेक्टेड है और फिर इधर से टू सी और सी है। ऐसा ही हो जाएगा कनेक्शन हमारा, दिख रहा है? हाँ। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते थे? ऐसा हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा ए है और ये बी, तो ये दोनों का मिलके क्या हो जाएगा? इन दोनों का 2c/3, 2c/3 फॉर्मूला लगा देंगे, c1 c2 by c1 plus c2। तो अगर हमको दिख रहा है कि c 2c यानी 2c/3, वैसे ही इसका भी कितना आ जाएगा? 2c/3। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? 2c/3, ये c और ये भी 2c/3। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा जो c a b आ जाएगा, तो हम लिखेंगे c+2c/3+2c/3 यानी 4c/3 यानी 7c/3। इसमें बाकी लोग को दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। ऐसा आप दे रखा है कनेक्शन, ये भी इजी है। फोर सी थ्री सी सी, टू सी थ्री सी सी, और यह है सी टू सी सी। सॉल्व करना है सी, ये भी क्या है? ये भी इजी है। हेलो 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 कितना आ रहा है बोलो? ऊपर वाले का 12/19, 12/19 सबका यही आ रहा है क्या? क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है तो ठीक है। नीचे वाले का कितना आ जाएगा? बीच वाले का 6/11 और लास्ट वाले का 6/11 से, और इसका आ जाएगा, अच्छा इसका 2/5 ठीक है। ये आ गया 12/19 सी, ये आ गया 6/11 सी, और ये आ गया 2/5। तो सी ये भी अगर हमको निकालना है तो सबको जोड़ देना है। 12/19 + 6/11 + 2/5 जो भी सम आएगा।
ये 6 माइक्रोफेरेड है, ये भी 6 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड दे रखा है, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड। ये हमारा 2 इंड है, ये और ये, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। इसको 3 कर लो, आसान है, चेंज छोड़ो करो जल्दी। सबका इतना ही आ रहा है रिया? ये दोनों हमको क्या दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। दोनों आपस में सीरीज में दिख रहा है, हाँ। इसका क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अगर हम इसको 3 को इसके साथ कंसीडर करें तो ये हमको पैरेलल में दिख रहा है। इसका और इसका मिलके क्या हो जाएगा, 4। यानी कि हमको ऐसा अब सिस्टम मिल जाएगा कि यहाँ पे 4 है और ये 4 जो है इसके साथ सीरीज में दिख रहा होगा। यानी कि 4 माइक्रोफेरेड आया, ये 6 माइक्रोफेरेड है और ये 2, ऐसा ही दिखेगा। अब ये 6 और 4 का हमको क्या मिल जाएगा, 24/10 माइक्रोफेरेड। C1 C2 by C1 plus C2, यानी 24 6 24/10 ये आ रहा है और इसके साथ है, तो हम इसको 2.4 माइक्रोफेरेड लिख सकते हैं और ये 2 माइक्रोफेरेड है, तो CAB हमारा आ जाएगा 2 plus 2 4.4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसमें सब दे रखा है 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड, ये 9, ये भी और ये भी 9 माइक्रोफेरेड। तो इसमें निकालना है वही सी ए बी क्या होगा, ए बी के बीच में। मुझबानी सॉल्व होगा ये, ध्यान से देखो तो। थ्री होगा, कितना आ रहा है, 3 3। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये 9 इधर के लिए हमको सॉल्व करना है, हमको दिख रहा है इधर से सर्किट जो है खत्म होता हुआ, हम इधर से ये सॉल्व करता हुआ, तो ये वाला सर्किट में जो तीनों है ये तीनों आपस में सीरीज में दिख रहा है, 9 9 9 तीनों इक्वल है, तो इसका क्या हो जाएगा, जब इक्वल होता है तो सी बाई एन हो जाता है, तो यहाँ 3 है तो 9/3, यानी कि इन तीनों का मिलके क्या आएगा, 3 3। ठीक है, यानी कि इन तीनों का अगर हम मिला दें इसका आ जा रहा है हमारा 3 माइक्रोफेरेड। अब ध्यान से देखो ये 3 और ये 6 पैरेलल में है, तो इन दोनों का मिलके फिर से क्या हो जाएगा, 9 9। अब फिर से अगर हम यहाँ से देखे तो ये 9, ये भी 9 और ये भी 9, तो इन तीनों का मिलके क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और ये 3 फिर 6 से मिलके कितना हो जाएगा, 9। और फिर इधर से मिलके ये हमारा आंसर क्या आएगा, 3 माइक्रोफेरेड। इसका भी 3C देखते हैं।
ठीक है, इसमें यह है कि यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, यानी कि ये अगर पॉइंट ए माने हैं तो ये भी हमारा पॉइंट ए की तरह ही, यानी सेम पोटेंशियल पे, वैसे ही ये पॉइंट जिसने पोटेंशियल पे उतने ही पे, इसको हम बी बोल रहे हैं, तो ये बी। इसको अगर हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट करें तो हम ए और बी पॉइंट लिख ले रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए से बी के बीच में एक तो ये कनेक्टेड है तो उसको जोड़ दिए, फिर ये वाला भी बी और ए के बीच में ही कनेक्टेड है तो इसको भी जोड़ दिए, और ये भी देख रहे हैं तो ये भी बी और ए के बीच में ही कनेक्टेड है तो तीनों को जोड़ दिए, सी सी सी, तीनों आपस में है तो सी ए भी हमारा जाएगा थ्री सी। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा प्लेट दे रखा है हमको, चलो पहले हम थोड़ा इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए बाई टू है, ये डिस्टेंस डी है, तो ये सी कितना होगा, बोलो कितना आएगा। यहाँ अगर ध्यान से देखें हम तो इतना ही पार्ट मिलके कैपेसिटर बना रहा है, इतना ही पार्ट कैपेसिटर बना रहा है, तो हमारा C का फॉर्मूला होता था एप्सिलॉन A बाई डी, और ये A क्या होता था, जितना भी रहता था एरिया, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इफेक्टिव एरिया कितना है, तो A बाई टू बाई डी। बात समझ आया, A by 2 ही इफेक्टिव है। हाँ, बाकी इधर तो कुछ है नहीं, तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसी उसी टाइप पे बेस्ट है, ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये सारा डिस्टेंस d है, ये सर आवाज नहीं आ रहा है आपका, हेलो हेलो यस सर, इसे डिस्कनेक्ट, लाइट बहुत कट रहा है, आगे आंसर क्वेश्चन देखे ही नहीं, अच्छा कट गया था क्या पहले।
ऐसा है कि ऐसा दे रखा है, प्लेट सही है, मतलब अंदर की तरफ होगा पूरा, प्लेट ही है, एक नीचे प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट ऐसे सीढ़ी के फॉर्मेट में है, सबके बीच का दूरी डी 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 दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, इसके बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होगा हमको बताना है। अच्छा हाँ, ये लेंथ सब इक्वली डिवाइडेड है, यानी कि अगर हम इसका लेंथ ले रहे हैं एल है, ये एल बाई थ्री है, ये भी एल बाई थ्री है, ये भी एल बाई थ्री, अलग अलग में भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ इक्वल दे रखते हैं। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। तो यस सर आ रहा है अब? हाँ ये सर कट कट कर आ रहा है। मतलब क्वेश्चन अभी तक क्लियर है? हेलो। हाँ सर क्लियर है। हो गया। कुमार आईफोन आईफोन लेके भाग गए नीचे। हेलो, अब आवाज सही जा रहा है? हाँ। कैसा जा रहा है? इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से कि यहाँ पे हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे तीन पार्ट में बांध रहे हैं, ये जो है कनेक्टेड है ऐसा, तो हम एक ऐसा कर लिए, ठीक है, दो और ये तीन, तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए, इसके नीचे वाला ऐसा लगा लिए, ठीक है, और नीचे जो है कनेक्शन एक ही है, यानी कि तीनों जो होगा एक ऐसे वायर से कनेक्टेड हमको दिख रहा होगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए। वैसे ही ऊपर वाला भी तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हम इसको बोल दे रहे हैं बी। अब हमारे पास ऐसे तीन कैपेसिटर्स बन गए, अब इनका एरिया देखो कि ये एल लेंथ का था तो एरिया ए था, तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए बाई थ्री, ये भी ए बाई थ्री और ये भी ए बाई थ्री एरिया, इसको पी क्यू कर लेते हैं, नहीं तो दो दो ए दिख रहा है, बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए, पी क्यू, पी इतना बात क्लियर है, एरिया में किसी को दिक्कत? हेलो। नहीं सर, नहीं दिक्कत। ठीक, अब डिस्टेंस का देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाला जो इधर वाला हम पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, इसके बीच का दूरी जो है कितना है, डी है, तो हम लिख लिए डी। सेकेंड यानी कि इस प्लेट और यहाँ के बीच का दूरी, तो ये दिख रहा है टू डी, तो हम यहाँ पे लिख लिए टू डी। वैसे ही थर्ड हमको दिख रहा है कि ये थ्री डी, लिख लिए, ठीक है, नामकरण कर देते हैं इसको C1, इसको C2 और इसको C3, ठीक है। अगर ये हमारा P है और ये Q है, तो तीनों आपस में किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, yes, बोलो, इधर से कोई भी चार्ज जाएगा तो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी कि तीनों आपस में किस में है, पैरेलल में। Parallel. अब हमको C1 C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3, यही आएगा। C1 का वैल्यू क्या होगा,
तो यहाँ हम डेटा देखकर बोले तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया है ए बाई थ्री डिवाइडेड बाई डी प्लस सी टू कितना है तो ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री एरिया तो सेम है डिवाइडेड बाई टू डी प्लस सी थ्री कितना है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री डी। तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री डी हमको सब में कॉमन दिख रहा है हम बाहर ले ली, तो यहाँ क्या बचा वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री यही बच रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा सिक्स इलेवन इलेवन बाई एटीन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लेट्स के आए हैं। आगे जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक पढ़ लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक भी इंट्रोड्यूस करेंगे, फिलहाल हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं करें। इसमें किसी कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे प्लेट्स वाले? Yes. ठीक, एक इस टाइप का देता है, हमको ऐसा प्लेट लगा कर देगा, बोलेगा कि ये सारे प्लेट्स हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हैं और ऐसा मान लेते हैं कि कनेक्शन है, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, सबका एरिया ए है और ये जो जितना डिस्टेंस दे रखा है वो डी ही है। बोलेगा ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट Q है, तो फाइंड CP, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट सॉल्व करें कितना आएगा। तो इन सब क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे, कोई आइडिया? देखो इसमें सिंपल सा है, एक चीज तो याद रखो, जो सबसे साइड प्लेट होगा यानी कि साइडेस्ट प्लेट जो होगा इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, जो सबसे साइड यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट का बात हो रहा है, ठीक है, तो सबसे साइड वाले प्लेट को हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे या तो इस चीज से, ठीक है, जो कनेक्शन है ये बाहर वाला कनेक्शन रहेगा इनसाइड का, या फिर नीचे है तो इधर से, ठीक है, यानी कि सिंगल एक ऐसा टी शेप से हम रिप्लेस कर देंगे, कैसे अभी हम देखेंगे। और मिडिल प्लेट्स का, मिडिल प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय, मिडिल प्लेट को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो मिडिल वाले को ऐसे पुट करेंगे, यानी कि प्लेट है दोनों को कनेक्टेड है ऐसे, ये बात क्लियर है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है, अगर ऐसा कर लिए तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ेगा। अब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन, अगर रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये हमारा साइड प्लेट है यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चारों जो है हमारा वन और फोर्थ जो है सबसे साइडेस्ट प्लेट है, तो उसको हमको ऐसे रिप्लेस करना है, तो हम ऊपर है तो उसको ऐसे रिप्लेस कर रहे हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को ऐसा, ठीक है, यानी कि प्लेट फर्स्ट था और ये प्लेट फोर हो गया, बीच में जो है दो और तीन है, तो दो और तीन को हमको ऐसे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो टू को हम ऐसे रिप्लेस कर ले रहे हैं और थ्री को हम ऐसे रिप्लेस कर ले रहे हैं, फिर से वैसे ही पुट कर देना, ये थ्री हो गया। कनेक्शन कहाँ कहाँ है, तो वन का थ्री से कनेक्शन है यानी कि यहाँ से ये ऐसे कनेक्टेड है, इधर कहाँ है तो टू का फोर से कनेक्टेड है, तो टू जो है ऐसा फोर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब सबका एरिया और ये, तो अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक कैपेसिटेंस बन रहा है, इसका भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, यहाँ भी सी होगा और यहाँ भी तीन तीन कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ भी हमको तीन कैपेसिटर मिल गया। अब हमको कौन कौन से पॉइंट के बीच में निकालना है, तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, तो ध्यान से देखें तो ये पॉइंट P है, तो ये भी पॉइंट P होगा,
क्यू है, ये भी क्यू होगा, ये भी क्यू होगा और ये भी क्यू होगा, वैसे ये पी होगा, ये पी होगा और ये पी होगा। तो हम ऐसा फिर से इसको हम ड्रॉ कर ले रहे। देखो यहाँ से ये वाला इस P और Q के बीच में ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो P Q के बीच में हमें कनेक्ट कर लिया। वैसे यहाँ Q है और ये पॉइंट P है, तो इसके बीच में भी एक कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लिए। वैसे ही यहाँ पे P है और ये Q है, तो इसके बीच में फिर से कनेक्टेड है, तो तीनों का कैपेसिटेंस है, तो C इक्विवेलेंट 3C आ जाएगा, यानी कि 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई T। ये बात समझ में आया या दिक्कत है बताओ? बोलो चंदन। हाँ सर। ये क्लियर है? दिक्कत है सुधांशु? ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। प्रिया ठीक है, ऐसे दे रखा है, पांच पांच प्लेट्स दे रखे हैं। यहाँ थ्री से कनेक्टेड ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से कनेक्टेड ये बी पॉइंट, और दे रखा है इसको हम इससे ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। ये प्लेट 1 2 3 4 5 हो गए। एरिया ए है, सेपरेशन डी लेना है, ठीक है। सी ए बी क्या होगा, प्रैक्टिस करो, मतलब सेम टू सेम वैसे ही रिप्लेस करो और सॉल्व करो। साइड वाले को टी शेप से और बीच वाले को एच शेप से। हुआ क्या? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, लगभग जगह हम पूछा जाता है, बताओ मैं सी। C/4 और किसी का पहला वाला स्ट्रक्चर बनाइए, फिर दूसरा में जो ठीक है पैरेलल के लिए कैसे बनाएं? कौन सा पहला वाला स्ट्रक्चर बना लिया है, दूसरा में पैरेलल? 3C/5 आंसर दे रखा है, देखते हैं। ये जो है 1 और 5 वाला जो प्लेट है, ये आउटर प्लेट है, तो हम उसको पहले बना ले रहे हैं ऐसा, और 5 वाले को ऐसा, ठीक है। ये हमारा 1 प्लेट हो गया, ये 5 प्लेट, बीच में हमारे पास 3 प्लेट्स है, तो हम ऐसे कनेक्ट कर ले रहे हैं। ये हमारा सेकंड प्लेट, ये हमारा थर्ड प्लेट, और ये हमारा हो गया फोर्थ प्लेट, ठीक है। ऐसा अब कनेक्शन कहाँ कहाँ है, 1 का 4 से है, तो हम 1 को 4 से ले आकर जोड़ दिए,
फोर्थ का ये था, ये था ना फोर्थ का, फोर्थ का पूरा ये था, तो हम इससे बीच में कनेक्ट कर दिए वायर को वायर से। यहाँ थ्री से एक वायर जो है ऐसे बाहर निकला हुआ है और ये फाइव से वायर ऐसे निकला हुआ है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है हमको नहीं पता है, तो हम उस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट होगा, तो ये भी सी पॉइंट होगा। ये पॉइंट ए है यानी कि ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए, इधर लिख रहे हैं बी, और सी बीच में लिख रहे हैं क्योंकि बी के क्रॉस हमको फाइंड करना है। तो ए और सी के बीच में यहाँ पे हमको दो दिख रहा है क्या इधर, यहाँ पे ए और सी के बीच में, तो हम इसको दो ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी ए और सी के बीच में ही है लेकिन अलग वायर से है, तो अलग वायर से कनेक्ट कर दिया। और ये जो है हमारा सी और बी के बीच में है, कनेक्ट कर दिया। अब काउंट करते हैं इधर कैपेसिटर कितना बन रहा है, 1 2 3 4, यहाँ भी हमारा 4 आ गया। तो अब तो सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये इतना ड्रॉ करने के बाद इसका क्या जाएगा, सी बाई टू आ जाएगा हमारा, C प्लस C बाई टू, 3C बाई टू, 5C बाई टू, टोटल कितना जा रहा, 5C बाई टू, ऐसा बच रहा है, ये आ जाएगा 3C बाई टू और ये C, तो 3C बाई 5 बच रहा है ना। ओ लास्ट में सीरीज में था, हाँ लास्ट में दूसरी बच रहे। ठीक है, इसका एक और मेथड देखते हैं। इस मेथड में किसी कोई दिक्कत, ठीक है, अगे नेक्स्ट मेथड जो है हमारा थोड़ा सा सोचने वाला है, सोचना है बस। ये हमारा 5 प्लेट्स दे रखे हैं, ठीक है, 1 जो है 4 से कनेक्टेड था, 3 ऐसा था और ये ऐसा कनेक्टेड था। सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से कहे कि हमको इस ए और बी पोजीशन के बीच में निकालना है, तो हम क्या किए कि इसके बीच में ऐसा एक बैटरी खुद से जोड़ दिए। ठीक है, किसी को दिक्कत, ये लिट यानी कि हम मान लिया बैटरी है, बैटरी है तो ये लोअर पोटेंशियल है, हम मान ली इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, V, ऐसा होगा। ठीक है, ये जो फोर्थ प्लेट है, फोर्थ प्लेट का पोटेंशियल कुछ x होगा, यानी कि अगर ये फोर्थ 1 से कनेक्टेड है तो फाइनली इसका भी पोटेंशियल x होगा। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम a लिख रहे हैं, यहाँ हम b लिख रहे हैं। ठीक है, तो बीच में कहीं x पोटेंशियल है। ठीक है, सेम चीज आएगा यहाँ, आप देखो तो 0 और x के बीच में एक कनेक्टेड है यहाँ पे, तो हम 0 और x में एक कैपेसिटर ऐसा जोड़ लिए, क्योंकि b का पोटेंशियल कितना है 0 और a का पोटेंशियल कितना है v। इतना बात समझ आया, तो वो तो लेट किए वही वाला बीच में है ना। हाँ वही चीज है, 0 ये लेट किया हुआ है, हमको तो सी इक्विवेलेंट से मतलब था, ये तुम बस मान लिए हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ देखो इसका पोटेंशियल है भी, इसका की तो क्या पोटेंशियल है, भी इसका पोटेंशियल अगर भी है, ये एक्स है, तो एक्स और भी के बीच में कितना है, तो यहाँ हमको एक दिख रहा है तो एक ज्वाइन कर लिए। इस साइड जाते हैं तो हमको दो दो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, तो इन दोनों को ज्वाइन कर ले, क्या हमारा ऊपर वाला ही केस बन गया। हाँ। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर से कितना आ जाएगा भाई, 3C/5। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इन प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन फाइंड चार्जेस ऑन ईच प्लेट,
ठीक है, इफ ए एंड बी इज कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल वी, अगर वी पोटेंशियल के बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे तब कितना है, क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बोलो। हाँ मतलब चार्ज को सी इनटू वी कर देंगे। हाँ सेम जो अभी तक करते आए हैं, ऐसा होगा ये कैपेसिटर सी है, सारा सी है, यहाँ से भी ये सी है, हम सी ही मान रहे हैं, बाकी सी का वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम रख लेंगे। ये पॉइंट हमारा बी था, ये पॉइंट ए था, इसको हम पर बैटरी वी से कनेक्ट कर, ठीक है, हमको सब पे चार्ज निकालना है। तो Q जो फ्लो करा होगा, Q इक्विवेलेंट तो कितना आएगा, C इक्विवेलेंट यानी 3C by 5 into V, इतना ही बहा होगा करंट, ठीक है। और ये जो है इस वक्त का हम बात कर रहे हैं, तो इस पे चार्ज तो इतना ही Q ही आया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो सीरीज में है, इसमें इतना ही आना है, सीरीज में तो उतना ही आएगा। हाँ ठीक है, अब हम आते हैं इधर वाले पे, तो इधर आया तो इसका कैपेसिटेंस C और ऊपर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C by 2, इन दोनों का कितना आएगा C by 2। हम बोले थे कि चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है चार्ज कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर Q चार्ज फ्लो किया है यहाँ से, तो Q जो होगा इधर कुछ पार्ट जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बोल दें ये Q1 है, इसको बोल देते हैं ये Q2, तो Q1 का वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या आया था Q1 का वैल्यू, C1 by C1 plus C2 into Q, यही आया था। तो C1 कितना है, C by 2 है, तो C by 2 divided by यहाँ C by 2 plus C, 3C by 2 into Q, तो यहाँ से हमको दिख रहा है Q1 जो है Q by 3 है, और Q2 जो है वो कितना हो जाएगा फिर 2Q by 3, रेशियो दिख रहा है जो हम बोले थे वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q का वैल्यू पता है चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसका डबल कैपेसिटेंस है तो डबल चार्ज फ्लो किया है, इसका C by 2 है इससे हाफ है तो हाफ फ्लो किया, सारे पे चार्जेस हमको पता चल गए। Q1 सर दोनों से फ्लो कर रहा है ऊपर वाले में, हाँ तो दोनों सीरीज में है तो दोनों से कितना गया होगा Q1, हम दोनों का इक्विवेलेंट मान लिए। हाँ ठीक है, अब यहाँ से Q1 तो दोनों पे चार्ज क्या रहा होगा सेम, ठीक है। इसी में एक चीज और है कि हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, अगर हमको C इक्विवेलेंट नहीं पता करना हो, हमको सिर्फ प्लेट्स से दिए हो तब भी हम फाइंड कर सकते थे, कैसे, हमारा ये जो है प्लेट वन प्लेट फोर से कनेक्टेड है और ये ऐसा कनेक्टेड है, हमको यही कहा गया था कि हम इसको एक बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर लें, यही कहा गया था, यही कहा गया था, बोलो। यस सर। ठीक है, तो बस अब हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पोटेंशियल मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा वी होगा, इसका अगर पोटेंशियल वी है तो इतना में कोई दिक्कत, बोलो। अब अगर हम चार्जेस का सोचे चार्ज, तो ये बाहर में चार्ज कितना होता है जीरो, इसमें भी बाहर में कितना चार्ज होगा जीरो, इसमें कोई दिक्कत, बाहर में चार्ज जीरो मतलब पहले से कुछ नहीं था इसलिए, पहले से कुछ नहीं थे या कैसे भी, हम लोग कैपेसिटर जो पड़े हैं कैपेसिटर के आउटर प्लेट्स पे चार्ज कितना हो जाता है, जब इनिशियली जीरो रहता है तो जीरो ही रहता है। हाँ
जीरो इसलिए मान लिया, हम इसका पोटेंशियल मान लेते हैं एक्स, जैसा कि हम पिछला, तो ये इससे कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल होगा एक्स, ठीक है। इसका पोटेंशियल ये कहीं भी कनेक्टेड है नहीं है तो इसका हम मान लिए वाई, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अब अगर हमको सब में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? बोलो लेकिन हम सी ही रखेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हाँ, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सबके प्लेट्स के बीच। कैसे निकालेंगे? इस वाले का पोटेंशियल कितना है? भी है। हाँ, ठीक है, इसी से सोचो, या फिर ऊपर वाले फिगर का हेल्प ले सकते हो। जैसे कि हम ऊपर वाले फिगर को देखें तो इसका पोटेंशियल है ना एक्स बोल रहे हैं, उसका हेल्प लेके सोचो पोटेंशियल डिफरेंस हमको लिखना है। ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा वी हो गया। सबका तो चार्ज भी अलग होगा ना? चार्ज से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे हम एक्स है तो यहाँ वी है, बीच में सी है, क्यू टू है, जो भी है। फिलहाल समझने के लिए तुम ऊपर वाले का रेफरेंस ले सकते हो, हम बस यहाँ पे चाह रहे हैं कि तुम सोच के बताओ। ऊपर वाले में तो जीरो देख पाए तो भी तो जीरो हो जाएगा। इसमें बाहर में चार्ज जीरो है, अंदर में चार्ज होगा, अंदर में चार्ज होगा, ऐसे ही ना पढ़े थे। चलो हम तुम लोग का होमवर्क दे दे रहे हैं, ये टाइम ज्यादा हो गया थोड़ा, इस पे एक बार सोचना, ठीक है। इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगेगा हम बता देते हैं। एक तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा जो अगर प्लेट से है तो चार्जेस सब पे कितने कितने होंगे वो चीजें लगेंगे, ठीक है। इन दोनों पे सोचना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता देंगे, ठीक है। और इसमें हम इसलिए डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सोचोगे तो बाकी सब कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। और ये आ गया, अगर हम ऊपर वाला हमसे क्वेश्चन में ये चीज पूछा है तो हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ चार्ज पूछा है तब जाके इस मेथड को फॉलो करेंगे, तो इसके लिए सोचना जरूरी है, तो इसलिए एक बार सोचना, ठीक है। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है और क्लास भी है तो इसलिए, ठीक है। फिर एंड कर रहे हैं।